Hi, welcome to my channel. This video में solve करेंगे question 23. What is the length of each side of a cube? तो इस cube का each side का length क्या होगा? यदि volume दे दिया है 275 centimeter cube. हमें ये करना है, table का use करना है, cube root table का और find करना है. तो simply यहाँ पर यदि हम पहले suppose कर लें, let the length of each side of the cube is equal to a centimeter. ठीक है, हमने ये मान लिया कि a सेंटीमीटर मान लीजिए इच साइड है क्यूब का. तो हम जानते हैं कि a क्यूब करने पर मिस वॉल्यूम, a क्यूब करने पर क्या आता है, वॉल्यूम आता है. तो वॉल्यूम दिया हुआ है, a क्यूब इक्वल टू हम लिख सकते हैं 275 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इट इंप्लाइज यहां से अभी यदि हम बोथ साइड्स में क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब इक्वल टू यहां भी क्यूब रूट ले लें 275 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर ए मिल जाएगा लेंथ ऑफ साइड, और यहाँ पर जो है वैल्यू मिलेगी वो आपका यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली 275 का, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर बाहर निकल सकता है. तो 275 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, लेकिन इसका वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये जो है 275 के लिए फैक्टराइज करोगे तो इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका ट्रिपलेट नहीं बनेगा. सो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 25 होता है, एंड 5 5 25 5 25 फिर 5 से करेंगे तो 11 आता है, उसके बाद 11 में जो 11 आ जाता है. मीन्स इसमें किसी भी फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा. सो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से. तो सिंस हम जानते हैं कि 275 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है 270 एंड लेस होती है 280 से, तो हम ये भी जानते हैं कि यदि ऐसा है तो क्यूब रूट की वैल्यू जो होगी, सॉरी क्यूब रूट की वैल्यू जो होगी 270 का, वो भी लेस होगा क्यूब रूट की वैल्यू से 275 की वैल्यू से, और ये लेस होगा क्यूब रूट ऑफ 280. तो अब इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई करती है, तो इसका मतलब 270 का जो क्यूब रूट होगा क्या होगा, 27. तो हमें जाना है 270 मीन्स 6.463 एंड 6.542. अब हम जानते हैं कि इन दो नंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके क्यूब रूट्स के डिफरेंस के. ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, हम वो लिखना नहीं चाहते वो सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि हम बार बार लिख चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो आप लिख भी सकते हैं. ठीक है, वी नो दैट द डिफरेंस इन द नंबर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन देयर क्यूब रूट्स, आप लिख सकते हैं. ओके, बट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है, 10 है. तो 10 का डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, तो लिख देते हैं 6.542 माइनस 6.463, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 0.079. ओके, तो हमें देखिए क्या करना है, हमें केवल 5 का डिफरेंस निकालना है. हमने यहाँ पर 10 का डिफरेंस निकाल लिया, 5 का डिफरेंस निकाल करके और इसमें ऐड कर देंगे, 270 के क्यूब रूट में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर. तो सिंपली हम यहाँ पे करने वाले हैं, 10 का निकाल चुके हैं, 5 का निकालना है. तो देखिए 5 का निकालने के लिए आप यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, 1 का पहले निकाल लेंगे आप, तो 1 का क्यूब रूट हो जाएगा, 1 का मतलब डिफरेंस का यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी करेंगे. देखिए 0.079 डिवाइड कर देंगे 10 से, यहाँ भी 1 यहाँ पे कैसे आया, 10 में डिवाइड करने से आया है ना, जो यहाँ पे करेंगे ऑपरेशन वही यहाँ पे करेंगे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको, खैर यहाँ डिवाइड मत करिए, अभी आपको निकालना है 5 का. तो 5 का यदि डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा आपको 0.079 होल अपन 10 इंटू 5 से कटेगा 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा आपको फाइनली मिल जाएगा 0.0395. ओके, अब हमें फाइंड कर लेना है क्यूब रूट, हैंस ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ जो आया था हमारा 275, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ, और 270 में ऐड कर देंगे 0.0395, ये जो वैल्यू है. तो हमारा आ जाएगा फाइनली, यदि हम ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.463, और इसमें ऐड कर देंगे 0.0395. तो यहाँ पर ऐड करने पे मिलेगा आपको 6.5025.
ओके। और यदि हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.503। मतलब कि 3 डेसिमल प्लस तक निकालना है यदि आपको, तो 6.503 मिलेगा। यदि आपको 2 डेसिमल प्लस तक निकालना है तो 6.50 मिलेगा। यदि 1 डेसिमल प्लस निकालेंगे तो 6.5 मिलेगा। तो मतलब फाइनली हमारा आ गया यहाँ पर, इतना सेंटीमीटर इज द एज ऑफ आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ दैट क्यूब द गिवन क्यूब। ओके, तो होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, मतलब कि भाई क्यूब रूट टेबल का यूज करके आप सॉल्व करना है। तो समझ चुके होंगे, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए मेरा वीडियो मिल सकता है जब मैं अपलोड करूँगा। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।